सिद्धि इतनी सीरियस क्यों है? अभी बाहर तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हुआ इसे? क्या बात है सिद्धि, परेशान लग रही हो? नहीं तो, लग तो रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय ने अपना शुभ दिन कहकर तुम्हारा दिन बिगाड़ दिया हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उन्होंने तो बहुत अच्छी बात की। क्या कहा उसने? यही कह रहे थे कि जिंदगी में शादी और प्यार के क्या मायने होते हैं, और इन सब के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि इंसान की जिंदगी में दोनों चीजें जरूरी होती हैं। उसने अपनी कोई बात नहीं कही? वो कह रहे थे कि उनकी कोई कमी अब उनकी जरूरत बन गई है। फिर कुछ नहीं, बात अधूरी रह गई। हाँ, बात अधूरी रह गई। आप जानती हैं वो मुझसे क्या बात करना चाहते थे? नहीं तो। लगता है मुझे ही वो बात करनी पड़ेगी, अभय तो कभी नहीं कह पाएगा। सिद्धि, मैं जानती हूं कि वो क्या कहने वाला था, और जहां तक मैं समझती हूँ तुम्हें भी इस बात का अंदाजा तो होगा ही, क्योंकि जितनी वो तुम्हारी परवाह करता था, जितना तुम्हारे साथ खुश रहता था। सुलेखा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनो, मेरे अभय से शादी करो बेटा। अरे कुणाल, मेरी बात तो सुनो यार, तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते और बात बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते यार? तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं कोई एम्प्लॉय नहीं, और तुम हो कि एनीवे, मैं तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस बात शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी बात? अरे है ऐसी बात जिससे मेरी पूरी लाइफ बदल गई। आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे आ तो जाओ। आप क्या कह रही? आप इसे सोच भी कैसे सकती है कि मैं और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कुणाल से कितना प्यार करती हूँ, और उनकी जगह में किसी और को नहीं दे सकती। सिद्धि, कुणाल तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे साथ नहीं। इतनी लंबी जिंदगी सिर्फ किसी के यादों के सहारे नहीं काटी जाती, और फिर तुम जिसकी बात कर रही हो कुणाल, वो भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, तो फिर तुम क्यों नहीं? अभय और आनंद का बाप बेटे का रिश्ता है, इससे अच्छा रिश्ता और तुम्हारे लिए कौन सा हो सकता है? जब किस्मत दोबारा मौका दे तो दो बार सोचा नहीं करते। फिर भी मैं तुम्हें सोचने का मौका देती हूँ, तुम सोच कर बताना। ठीक है, आओ यही घर, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। यही वो चीज जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। जब से मेरी लाइफ बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे इसकी हालत पड़ गई।
कब मुझे उससे प्यार हो गया। हम इंसाफ़ से सिद्धि से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ सिद्धि के साथ। मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो कि एक ही घर में रहने के बावजूद, उससे इतना प्यार करने के बावजूद हमारी कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ी? नहीं यार, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं सिद्धि से अपनी दिल की बात कह नहीं पा रहा हूँ। कैसे बताऊं उसे, कैसे उसे प्रपोज करूं और कैसे बोलूं कि आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कुणाल, ये बात नहीं है कि मैंने सिद्धि से अपने दिल की बात कहने की कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश की, लेकिन जब भी मैं उसके सामने जाता हूं, मैं तो बस उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसकी सादगी में खो जाता हूं। मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूं यार, मैं अभी कम दम स्टक है। तुम्हें कुछ बता, मैं क्या करूं, मैं कैसे उसे प्रपोज करूं? लेकिन एक बात, जब भी मैं उसके एक्स हस्बैंड के बारे में सोचता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कितना अनलकी इंसान है। उसे सिद्धि जैसी लड़की भी छोड़ा, सिद्धि जैसी क्या कमी है? सुंदर है, सुशील है, समझदार है, आई एम श्योर वो बहुत ही घमंडी और बेवकूफ किस्म का इंसान है। आई एम श्योर अब वो पछता रहा होगा, ना उसकी लाइफ में प्यार बचा होगा ना। लेकिन जो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो उसे नहीं छोड़ता तो ये मुझे कभी नहीं मिलता। यार हम ये सब क्या बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि मैं सिद्धि को कैसे प्रपोज करूं, कुछ तो आइडिया दो यार। मैं क्या बता सकता हूँ, कमांड बता, तुम तो एक्सपीरियंस यार। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी सेकंड वाइफ को कैसे प्रपोज किया? एक्चुअली प्रपोज उसने किया था, वो भी फोर्सफुल। लकी मैन, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी फर्स्ट वाइफ को कैसे प्रपोज किया? तो वो तो याद होगा ना तुम्हें, वो बताओ एटलीस्ट। नहीं वो मैं भूल गया, मुझे लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तुम तो मेरी कुछ मदद ही नहीं कर रहे हो। अच्छा कुणाल, तुम मेरे लिए एक फेवर तो कर सकते हो ना? अरे यार एज अ सपोर्ट सिस्टम तुम मेरे साथ चलो, क्या बता तुम्हारा लग काम कर जाए। चलो आ जाओ। यार समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं, डायमंड, गोल्ड नेकलेस, ये तो बात नहीं देना होता। लाख दूं? नहीं, बैड आइडिया, उसे एक रोमांटिक सी जगह ले जाता। नहीं अगर वो नहीं आई तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। यार वो आ गई, उसे अपने दिल की बात आज ही कह दूं या किसी और दिन? यार पता ना क्या करूं, आज ही प्रपोज कर दूं? क्या दूं? सिद्धि, सिद्धि, नजरें भटकती हैं तो
दांव अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। सिद्दीक, डीआईओ क्या? कुणाल से मैं संभाल लूंगा। ऑफिस चलती हूँ। ओके। ठीक है, कैसा है? अच्छा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया था। देखिए बेटा, पेड़ पे अभी आम आए नहीं और तुमने खाने की बात शुरू कर दी। शादी तय होने के बाद कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं, पहले नहीं। डैड, ऊपर वाले ने हमारी शादी बहुत साल पहले ही तय कर दी, हम तो बस उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटा, सेलिब्रेट तो तब करूंगी जब सिद्धि कुणाल को छोड़े। वैसे भी उसकी पर्सनल लाइफ में ना थे, लेकिन कुणाल की पर्सनल लाइफ सिद्धि के कब्जे में है। डैड, जब बात फ्यूचर की हो रही तो पास्ट को याद नहीं करना चाहिए, और जब बात ओकेजन की तो मनहूस लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जब हमारी शादी होगी ना डैड, तो शादी का सबसे पहला इन्विटेशन सिद्धि को ही जाएगा, ताकि उसे पता चले कि कुणाल मेरा था और हमेशा सिर्फ मेरा ही रहेगा। सिद्धि, जब से मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे इसकी आदत पड़ गई, कब मुझे उससे प्यार हो गया। मैं सिद्धि से अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा हूँ। कैसे बताऊं उसे, कैसे उसे प्रपोज करूं, और कैसे बोलूं कि आई लव यू। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है, लेकिन अपने एक हस्बैंड के बारे में सोचकर वो कुछ बोल नहीं पाती। मुझे वो पेपर्स चाहिए जिस पर अभय जी ने साइन की थी। मैंने कुछ कहा? मुझे वो पेपर्स चाहिए। अगर इतनी जल्दी है तो खुद ढूंढ लो। हालत करके रखी है कैबिन की, एक चीज जगह पर नहीं। घर पे भी वही हाल है और ऑफिस में भी। बस वो मेरा कमरा है, ये मेरी कैबिन, मैं जैसे चाहूं वैसे रखूंगा, समझी? तुमसे सीखने की मुझे कोई जरूरत नहीं। हाँ, घर में कैसे रहना है वो जरूर नहीं सिखाऊंगी,
लेकिन हाँ ऑफिस के मैनेजर सबको जरूर बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैं बॉस हूँ। और वैसे भी घर पर आपकी बीवी है ना रिचा, आपको ये सब सिखाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है जिसके लाइफस्टाइल खुद इतना बिगड़ा हो वो दूसरों को क्या मैनर्स सिखाएंगे। शादी के बारे में तुम ना ही बात करो तो अच्छा है सिद्धि, तुम्हें सूट नहीं करता। शादी का मतलब समझती हो सिद्धि? शादी साथ निभाने का नाम है, जिंदगी भर के लिए, बीच रास्ते छोड़ने का नहीं। शादी वो खूबसूरत एहसास है जिसमें दो लोग एक हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं, भूलते नहीं। क्या तुम क्या समझोगे? शादी एक दूसरे के बीच के भरोसे का भी नाम होता है जिसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। पर अफसोस वो भरोसा आप मुझ पर कभी नहीं ला पाए। यही तो दुख है सिद्धि, कि मैं तुम पे जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, मगर बदले में मुझे क्या मिला सकते? डिवोर्स पेपर, एक टूटा हुआ दिल, डर लगता है मुझे अभय के लिए कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी होगा। आपको किस बात का बुरा लग रहा है कुणाल? आप मुझे जान नहीं पाए या फिर अभय जी मुझे जान नहीं पा रहे? क्या नहीं जान पाया सिद्धि? तुमने कभी कोई बात मुझे बताई है? कमाल, भरोसे की बात करती हो और खुद मेरा भरोसा तोड़ती हो, जानने की बात करती हो और खुद बातें छुपाती हो। एक बात बता सकती हूँ, तुम्हें इस बात की ज्यादा खुशी है कि तुम अभय के साथ हो या इस बात का ज्यादा दुख मैं ऋचा के साथ हूं? क्या हुआ सिद्धि, मुंह क्यों फेर लिया, जलन हो रही है? हो रही है जलन। जलन क्यों हो रही है? आप कभी नहीं समझ पाएंगे कुणाल। समझता हूँ मैं सिद्धि, अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुमसे दूर रहकर भी मैं खुश हूँ। अपनी जिंदगी मैंने फिर से शुरू कर दी है और वो भी रिश्ता के साथ, ये देखकर जलन हो रही है ना तुम्हें? अब पता चला क्या महसूस होता है? आप और रिचा एक साथ खुश नहीं है, खुश रहने का नाटक कर रहे। आपको रिचा पर प्यार तभी आता है जब मैं सामने होती, फिकर तभी होती है जब मैं उसे देखती हूं। जलन मुझे नहीं, आपको होती है, मुझे और अभय जी को एक साथ देखकर। मेरे और अभय जी के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अफसोस आप और रिचा एक साथ रहकर भी खुश नहीं, और मैं और अभय जी एक साथ नहीं लेकिन फिर भी दुनिया के लिए एक है। वाह सिद्धि, रिचा मेरी बात तो खूब कर ली, अब कुछ तुम्हारी और अभय की बात करें। क्या रिश्ता है तुम्हारा अभय के साथ? एक गैर मर्द के घर में तुम रहती हो और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। चुप हो जाइए कुणाल। क्यों क्यों चुप हो जाओ सिद्धि? बुरा लगा जब तुम्हारी बात चली तो बुरा लगा? कितना आसान होता ना दूसरे खींचे उछालना।
क्या पैसे की लालच में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि दूसरे के फीलिंग से एहसास नहीं तुम्हें? जवाब समझ ना, क्या अपनी आत्मा की शर्म सब कुछ बेच दिया तुमने? तुम मुझसे जायज शादी नहीं निभा पाई, हमें के साथ नाजायज भाव की था।